blank with A E I O U. A E I O U क्या है? Vowel है. Vowel कितने होते हैं? Five होते हैं. कौन कौन से? यहाँ मैंने लिखा हुआ है A E I O U. तो मैं यहाँ कुछ figure बनाया है और यहाँ कुछ fill the blanks है जो आपको fill करना है. और किसके help से आपको fill करना है? Vowel के help से. Vowel क्या है? A E I O U. इन पांचों के help से आपको ये spelling complete करना है. तो चलिए start करते हैं. As you can see कि मैंने यहाँ से किसका figure draw किया है? Head. Head. टोपी. तो head के figure से आप अब आप ये find करो कि हम इसमें क्या fill करेंगे कि head की spelling complete होगी. तो यहाँ देखिए A A भरेंगे क्या? A E I O U. इन पांचों में से कौन सा ऐसा spelling है जो हम इसमें भरेंगे? तो head की spelling क्या होती है? A T head में टोपी. ओके नाउ नेक्स्ट एज यू कैन सी इट्स अ कप. कप. अब हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पे सी भी तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे हमें एक स्पेलिंग फील करनी है. अब कौन सी स्पेलिंग किसके हाथ से? इन पांचों में से एक स्पेलिंग यहाँ पे फिट आएगा तो कौन सा आएगा? चलिए फाइंड करते हैं. कप. कप की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए सी यू पी कप. सी यू पी. ओके नाउ नेक्स्ट एज यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ सन. सन मीन सूरज. ओके तो सूरज सूरज की स्पेलिंग सन की स्पेलिंग क्या होगी? एस यू एन. अब हम इधर फाइंड आउट करते हैं कि यू वेयर इज यू. क्या यू इसमें है? ए ई आई ओ यू. हाँ यू इसमें है. हम इसमें क्या करेंगे सन की स्पेलिंग? एस यू एन सन. सन मीन सूरज. ओके नाउ नेक्स्ट इट्स अ पेन. पी एन पेन. पेन. पेन की स्पेलिंग क्या होगी? पी एन. अब हम फाइंड करें क्या ई इसमें है? ए ई आई ओ यू. तो हाँ हम देख रहे हैं कि हाँ ई यहाँ पे है तो हम इसमें ई को फिल कर देंगे. अब आप देख रहे हैं यहाँ बना है हाउस. एक हाउस का मैंने फिगर ड्रॉ किया है और यहाँ पे एच डॉट डॉट एस ई. तो हम कौन सी स्पेलिंग इसमें फिल करेंगे? यहाँ से निकाल के यहाँ पे फिट आएगा तो कौन सी स्पेलिंग? चलिए देखते हैं हाउस की स्पेलिंग क्या होती है. एच ओ यू एस ई. एच ओ ओ क्या इसमें है? यस एच पे. एच ओ एंड देन यू एस ई. नाउ कंप्लीट हो गया हमारा हाउस की स्पेलिंग. ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओके वेरी गुड. दिस इज अ लिप. आप अपने इंग्लिश की कॉपी में राइट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा. ओके स्टूडेंट हैव अ गुड डे.